अखिल भारतवर्षीय कसौधन वैश्य महासभा के बैनर तले कसौधन राजनीतिक मंच के तत्वाधान में चिंतन शिविर का आयोजन शनिवार को बैंक रोड स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया, जिसके संबंध में कसौधन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मथुरा प्रसाद कसौधन ने बताया कि वैश्य समाज राजनीति में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हर समाज के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं। हमारे वैश्य समाज की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, हर जाति की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तथा पूरा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तथा हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कसौधन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मथुरा प्रसाद कसौधन ने कहा, चिंतन आप अपने विचारों को आपके साथ साझा करूं। आजीवन राजनीतिक स्तर क्या है? कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर भी पहचान बनाई है, परंतु उनके द्वारा कसौधन समाज को सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर प्राप्त होने के लिए कटु सत्य को लाना बहुत ही आवश्यक है। यही हमारा सामाजिक स्तर है। कसौधन नाम की पहचान कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे देश में कहीं भी नहीं है, और जब पहचान नहीं होती तो उसे हमारा नाम मथुरा प्रसाद कसौधन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कसौधन वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मथुरा प्रसाद कसौधन मैं गोरखपुर अंचल में एक राजनीतिक चिंतन शिविर में आज सभी सुजाति बंधुओं के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम वैश्य समाज, हमारा वैश्य समाज राजनीति में भागीदारी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और समाज के लोग राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर चुके हैं, मगर हमारे वैश्य समाज की जो भागीदारी है राजनीति में वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए हम लोग आज एक चिंतन शिविर के आयोजन किया है कि हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हो राजनीति में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, हमारे समाज के और सब लोगों की जातियों को लोगों को सम्मिलित किया गया, मगर हमारे समाज को लोगों को इसके राजनीति में टिकट देने के लिए और सब चीज़ों में हमको बायकॉट किया जा रहा है, निकाला जा रहा, हमको टिकट नहीं दिया जा रहा, मतलब हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। क्यों, क्या कारण है? इसीलिए हम लोग चिंतन के लिए आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जिससे कि राजनीति में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, हर जात की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे किसी समुदाय का किसी क्षेत्र का हो, मगर वैश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित हो रही है? सभी जातियों को सुनिश्चित हो रही है, मगर वैश्य समाज, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, उसकी संख्या होने के में होने के बावजूद बनिया समाज जो है, एक वैश्य समाज जो है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। सारे पूरे हिंदुस्तान में इतनी विशाल संख्या है, फिर भी हमारे वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा राजनीति में, क्या कारण है? हम इन राजनीतियों से पूछना चाहता हूँ, जानकारी करना चाहता हूँ कि हमारे को क्यों निग्लेक्ट किया जा रहा है, हमें क्यों निग्लेक्ट किया जा रहा है, हमको भागीदारी हमारी क्यों सुनिश्चित नहीं की जा रही है? हम लोगों की दर्द इस चीज़ के लिए है, हम लोग अपनी ताकत दिखाएं कोई ज़रूरी है? हम लोग तैयार हैं आपके साथ में, हम लोग सारे जितने बनिया वैश्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है। वैश्य समाज टोटल भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार उत्तर प्रदेश में बने, ये हमारा आह्वान वैश्य समाज की तरफ से। मैं अपने कसौधन क्षेत्र वर्ग के साथ में ये आह्वान करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कसौधन समाज पूर्ण रूप से वोट देने के तैयार है, वोट देगा, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मेरा आश्वासन है। ये मेरे हमारे कसौधन समाज की तरफ से मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी को।